सबका हित सर्वोपरि। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज गोरखाली सुधार सभा में आदि कवि भानुभक्त आचार्य जी की 205वीं जन्म जयंती समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त एवं उत्तराखंड राज्य गोरखाली परिषद जो कि कल्याण के लिए काम करता है उनके अध्यक्ष टीडी भूटिया एवं गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष पदम सिंह थापा ने भानुभक्त जी की प्रतिमा को माला पहनाई। अध्यक्ष पदम सिंह थापा ने समस्त गोरखा समाज को बधाई एवं शुभकामनाएं भी इस अवसर पर दी। आपको बता दें कि आदि कवि भानु भक्त जी का जन्म विक्रम संवत 1871 की आषाढ़ 19 गते को चुदीर मुंबा तनहू नामक स्थान में हुआ था। उनका नेपाली भाषा साहित्य एवं संस्कृति की एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस कार्यक्रम के अवसर पर भाषण प्रतियोगिता एवं कविता वाचन का भी आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न वर्गों के स्कूली बच्चों ने भाग लिया। शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन हेतु मेधावी छात्र छात्राओं जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में सर्वोत्तम अंक प्राप्त किए उन्हें भी सम्मानित किया गया, जिनमें से प्रमुख नाम इस प्रकार है: वर्तिका थापा कक्षा 10, विद्यांत मान थापा कक्षा 12, विभोल ठाकुर कक्षा 10, मानिया लिंबू कक्षा 10, रोहन आले कक्षा 10, आंथा प्रधान कक्षा 10, शुभम राणा कक्षा 10, दिया गुरुंग कक्षा 10, अमिशा रेग्मी कक्षा 10, जिज्ञासा कक्षा 12, ऋषिका मल्ल कक्षा 10, आयशा थापा कक्षा 12, निखिल छेत्री कक्षा 10, रिया कुमारी कक्षा 10, आकांक्षा थापा कक्षा 12, संचित थापा कक्षा 12। इनके अलावा सुपर डांसर चैप्टर 3 जो कि सोनी टीवी के टॉप 10 रह चुके देहरादून के अक्षित भंडारी है उनको भी इस मौके पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया और साथ ही उन्होंने मंच पर अपनी मनमोहक प्रस्तुति से भी सबको मंत्रमुग्ध किया। कोसेली सांगीतिक समूह ने भी मधुर गीत प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम में गोरखाली महिला हरतालिका तीज उत्सव कमेटी एवं हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट उत्तराखंड का भी विशेष सहयोग रहा। इस अवसर पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजन छेत्री, उपाध्यक्ष पूजा सुब्बा, सभा के संरक्षक गण, महामंत्री गोपाल छेत्री, सचिव मधुसूदन शर्मा, वाई बी थापा, प्रभाष शाह, समस्त शाखा अध्यक्ष कार्यकारिणी एवं समाज के वरिष्ठ महानुभाव उपस्थित रहे। Gorkha hit.